पठानकोट विच आर्मी दा हैलीकॉप्टर हादसा ग्रस्त रणजीत सागर डैम झील विच डिग्गया हैलीकॉप्टर हादसे विच सेना दे दो अधिकारी लापता लेफ्टिनेंट कर्नल एएस बाट ते कैप्टन जयंत जोशी दी भाल जारी। हार तो बाद प्रधानमंत्री ने खिडारियां दा वधाया हौसला, बोले हार जित खेड दा हिस्सा, देश नूं खिडारियां उत्ते माण, खिडारियां दे परिवार वाले भी होए मायूस पर कहा सेमीफाइनल विच पहुंचना वड्डी गल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स 14 दलों के लीडरों के नाल कीती मीटिंग, राहुल ने लोगों की आवाज एकजुट करने का दिता संदेश, संसद विच भी विरोधी सांसदों का हंगामा रहा जारी। सीबीएसई 10वीं के नतीजे ऐलाने गए, कुल 99.4% विद्यार्थी होए पास, 99.24% रिजल्ट के नाल कुड़ियां ने फिर मारी पासी। गुड मॉर्निंग पंजाबियों, एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक्स विच भारत दे लिए चंगा दिन साबित नहीं होया है। सब तो पहला गोल्ड मैडल जीतने का सपना टुट गया भारत का। पुरुष हॉकी टीम नू सेमीफाइनल विच बेल्जियम ने मात दिती है, 5-2 दे नाल भारत हार गई। हालांकि टीम तो हले भी ब्रोंज मैडल दीआं उम्मीदां बरकरार ने। भारतीय हॉकी टीम की हार तो बाद कैप्टन मनप्रीत सिंह निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस साडे लिए निराशा भरिया दिन सी, असी सेमीफाइनल विच हार गए। टोक्यो ओलंपिक विच साडी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सब तो वधिया प्रदर्शन किया है ते ए मायने रखदा है। भारतीय हॉकी टीम की हार तो बाद खिडारियों के परिवार वालों विच भी निराशा विखी। अमृतसर के पिंड बुदुआला के खिडारी दिलप्रीत सिंह ते जंडियाला गुरु के पिंड खलैरा के गुरजंट सिंह के परिवार वालों विच मायूसी जरूर विखी है, पर उन्होंने हुण टीम तो ब्रोंज मैडल की उम्मीद है। वेखो, जदों मैच हाफ टाइम तक चलिया सानू पूरी उम्मीदा है, अखीरले चौथे क्वार्टर तक सानू पूरी उम्मीद सी भी चलो ये गोल होंदे रहिंदे हैगे, मगरों लै भी जांदे हैगे कई वारी, अखीरले टाइम दे विच भी टीमां गोल कढ जांदियां हैगियां, पर वो थोड़ियां जी उन्होंने पलंटियां ज़्यादा मिलना करके जिन्ने उन्होंने गोल कढे आ पलंटियां ना कढे हैगे, मुड़ के थोड़ा जदों वेखो भी जदों एक दो गोल उपर हो जांदे फिर टीम ते प्रैशर भी बन जांदा हैगा, जदों प्रैशर बनता फिर वो मतलब कि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज भी हुंदा, ते बाकी सानू ये अजे भी अं कॉन्फिडेंस नहीं हारते। अं कहने भी चलो 1980 तो लैके हुण तक वेखो अजे तक टीम सैमीफाइनल तक नहीं पहुँची, तो हुण ये सानू तो खुशी वाली गल है, चलो टीम साडी इत्थों तक पहुँची हैगी, तो अं मतलब जो हाकी का वेखो हुण कितना हुण जदों दे मैच चलन डे हैगे कितना हाकी का बोलबाला, लड़कियां भी अपनी सैमीफाइनल पहुँच गई, ये भी सैमीफाइनल पहुँच गई, हाकी वर्गी पूरे अपने हाई लैवल पर आ गई सी। चलो अजे भी सानू उम्मीद है भी जो तीजा ब्राउन मैडल होना अं जितांगे। मैच जो था बहुत अच्छा था, ऐसा कंपटीशन क्रूशियल कंपटीशन होता है, और जो उम्मीद मैंने अपने टीम से की थी उन्होंने लीड भी ली थी, और अगर वो लीड तीसरे क्वार्टर तक पहुँच जाती तो हम जीत जाते, लेकिन चौथे क्वार्टर में बेल्जियम बेहतर खेली, हमारी 2-4 गलतियां हो गई जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आ गया और मैच जो बेल्जियम ले गया, तो चलो अगले मैच के लिए ठीक है। अगला मैच ब्रॉन्ज मेडल 5 तारीख को होगा, 5 अगस्त को, और उस मैच हमारी टीम अच्छा खेलेगी और हमें उम्मीद है कि वो मेडल पक्का लेकर आएगी। भारत के शॉर्ट पुटर तेजिंद्रपाल सिंह तूर टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल विच नहीं पहुंच सके। तेजिंद्रपाल सिंह तूर क्वालीफाइंग ग्रुप ए विच 13वें स्थान पर रहे ने, वो चंगा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने पहली कोशिश विच 19.99 मीटर दूर गोला सुट्टिया, ते उन्होंने दूजी ते तीजी कोशिश फाउल करार दिती गई। क्वालीफाइंग राउंड दो वक-वक पूल विच खिडारियों नूं वंड के कीता गया, ते दोवें पूल मिला के टॉप 12 थ्रोअर फाइनल विच पहुंचे। इहो जिहे विच तूर फाइनल दी होड़ तो बाहर हो गए। टोक्यो ओलंपिक विच नौजवान भारतीय पहलवान सोनम मलिक नू महिला 62 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर के मुकाबले विच ही मंगोलिया के खिडारी खिलाफ हार का सामना करना पिया। ओलंपिक विच डेब्यू कर रही सोनम नू हुण इंतजार करना होगा कि उन्हां नू रैपेजिस दौर विच हिस्सा लैण का मौका मिलता है या फिर नहीं। 19 साल की सोनम 2 पुशआउट अंक जुटा के 2-0 दे नाल अगे चल रही थी, पर एशियाई चैंपियनशिप दे सिल्वर मैडल जेतु खुरलेखू ने भारतीय पहलवान नू डिगा के 2 अंक हासिल कर ले अते बराबरी हासिल की, जदों कि मुकाबले विच सिर्फ 35 सैकेंड का खेल बचिया सी, जिस तों बाद अंत तक स्कोर 2-2 ते रहा, पर मंगोलिया दी पहलवान नू अंतिम अंक जुटाउण दे कारण जेतु ऐलान दिता गया।
टोक्यो ओलंपिक विच भारत की अनु रानी जैवलिन थ्रो दे फाइनल दे लई क्वालीफाई करन तो चुक गई है। अनु रानी 54.04 मीटर दे नाल 14वीं पोजीशन ते रही है। अनु ने 14 खिडारियों दे ग्रुप ए विच 50.35 मीटर जैवलिन सुट के शुरुआत की अते अपनी दूजी कोशिश विच 53.19 मीटर दी दूरी तय की है। क्वालिफिकेशन मार्क 63 मीटर नू भी पार नहीं कर पाई। भारत दे स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 7 अगस्त नू हुण अपना पहला इवेंट खेडणगे। दुनिया के किसी भी एथलीट का सब तो वड्डा सुपना ओलंपिक विच गोल्ड मैडल जितना हुंदा है। एक खेड विच कामयाबी का सब तो उच्चा पद्धर मन्या जाता है, पर कतर का एथलीट मुताज एसा बारशिम इस तो भी एक कदम अगे निकल गया। उसने ओलंपिक विच गोल्ड मैडल के नाल नाल मनुखता का मैडल ते दुनिया भर के खेड प्रेमियों का दिल भी जित लिया। बारशिम ने फाइनल दौरान जख्मी हो गए इटली के ग्यान मार्को तांबेरी नू भी गोल्ड मैडल दिवाया। एक घटना हुई टोक्यो ओलंपिक विच पुरुषों के हाई जंप इवेंट दौरान। बारशिम ते तांबेरी दोवां ने 2.37 मीटर दी छाल लगाई ते इकट्ठे पहले स्थान ते रहे। इस तों बाद इवेंट आयोजकां ने दोवां नूं 3-3 जंप होर लाउण लई कहा। दोवां विचों कोई भी एथलीट इन्हां 3 जंपां विच 2.37 मीटर दे उपर नहीं जा सकिया ते जदों वाधू 3 जंप लाउण तों बाद भी जेतू दा फैसला नहीं होया तां आयोजकां ने उन्हां नूं 1-1 वार होर जंप लगाउण लई कहा, पर उदों तक इटैलियन एथलीट तांबेरी जख्मी हो चुकिया सी। पैर दी सट दे कारण उसने नाम वापस ले लिया ते हुण बारशिम कोल मौका सी कि ओ एक बेहतर जंप लगाए ते सोन मैडल अपने नाम कर लवे। इटालियन एथलीट दे बाहर होण तो बाद बारशिम ने आयोजकां तों पुछया कि जेकर ओ वी नाम वापस ले लैंदा तां की होवेगा। आयोजकां ने रूल बुक चेक कीती ते कहा कि जेकर तुसीं वी नाम वापस लैंदे हो तां सानूं तुहानूं दोवां नूं गोल्ड मैडल देना होवेगा। ते बारशिम ने इस तों बाद आखिरी जंप तों नाम वापस ले लिया ते फिर उसनूं ते तांबेरी दोवां नूं गोल्ड मैडल दित्ता गया। रुक दे एक छोटे जे ब्रेक दे ले, ब्रेक दे उस पार नजर पंजाब दीआं खबरां ते। पठानकोट विच आर्मी दा हैलीकॉप्टर हादसे दा शिकार हो गया है। ए हैलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम विच क्रैश होने तो बाद डिग गया ते सेना दे दो अधिकारी लापता हो गए ने। पठानकोट विच मंगलवार नूं एक हैलीकॉप्टर हादसे दा शिकार हो गया। भारतीय सेना दा ए हैलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम दे कोल क्रैश होया है। हैलीकॉप्टर विच सेना दे दो अधिकारी सवार सी। दोवें अधिकारी लापता ने, लेफ्टिनेंट कर्नल AS भट्ट अते कैप्टन जयंत जोशी लापता दसे जा रहे ने। हादसे तो बाद बचाव मुहिम विच तेजी कर दित्ती गई है ते हवाई फौज भी इस ऑपरेशन विच शामिल हो गई है। देखो ये सवेर दा मतलब राउंड कढ़दा है सारे मतलब जदों ए आया ना दुआरे वापसी इदां करके इत्थे डिग गया। बस आवाज आई है विचले ए कोई पता नहीं लोगों का कोई पता नहीं ना निकले आ समान डिगया बाहर वह हूँ किस्ती दे विच बाहर कढ़िया मुड़े आ गए किस्ती वाले पारो बसोली तो वह ले गए पार में समान। सवेरे 10:20 उत्ते हैलीकॉप्टर ने पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स तो उड़ान भरी। करीब एक घंटे तो बाद खबर आई कि नियमित उड़ान के दौरान हैलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम के कोल हादसाग्रस्त हो गया। ये डैम पंजाब के पठानकोट तो 30 किलोमीटर दूर स्थित है। फिलहाल लापता सेना के अधिकारियों की भाल की जा रही है। भाई इतने ना रंजीत सागर डैम की झील है तो एक जहाज आया आर्मी का वो बड़ा ही नीवा आ रहा है तो इतने आगे ना पानी के पै गया तो इतने लोकल जोड़े लोग है उन्होंने देखा तो उन्होंने जिन्हें भी इतने अपने SHO साहब ने जोड़ा भी डिपार्टमेंट है उन्होंने तुरंत खबर देती तो सारी टीम उत्थे पुज गई है तो बाकी उन्होंने हाले का कोई पता नहीं कितने भी कितने नहीं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा चोणों लई वड्डे ऐलान किए ने। उन्होंने कहा कि जेकर पंजाब विच अकाली दल बसपा की सरकार बनती है तो पंजाब विच वसनीक खपतकार नूं 400 यूनिट बिजली मुफ्त दिती जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि केंद्र के तीनों खेतीबाड़ी कानून पंजाब विच लागू नहीं होणगे, एक्ट नूं रद्द किया जाएगा तो अकाली दल की सरकार 5 सालों विच 1 लाख सरकारी नौकरियां भी देगी। सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया कि सरकारी नौकरियों विच 50% सीटां लड़कियां लई रखवियां होणगियां ते पंजाब विच 75% नौकरियां पंजाबियां लई रखवियां कीतियां जाणगियां। इस दे नाल ही छोटे उद्योगां नूं 5 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। इस तों इलावा सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि पंजाब दे कॉन्ट्रैक्ट वर्करां ते सफाई कर्मचारियों नूं पक्का कीता जाएगा।
अमृतसर तो संसद मेंबर गुरजीत सिंह औजला ने संसद विच आज करतारपुर कोरिडोर खोलने का मुद्दा चुकिया। कांग्रेसी एमपी ने कहा कि देश विच सारे धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने पर करतारपुर कोरिडोर खोलने लिए भी मांग की जा रही है। तीजी वेव नाल खतरा वधन उत्ते उन्होंने कहा कि सरकार ने बस मेट्रो सब कुछ खोल दिते ने तां करतारपुर लांघा खोलने विच दिक्कत की है। कोरोना वायरस की आड़ विच मार्च 2020 तो करतारपुर साहिब कोरिडोर बंद किया गया। उस तो बाद करीब सारे धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने पर करतारपुर साहिब कोरिडोर अजे भी नहीं खोलिया गया। कांग्रेसी एमपी दी मांग उते केंद्रीय राज मंत्री नित्यानंद राय वालों जवाब दिता गया कि पाकिस्तान ने कोरोना करके बैन लगाया हुआ है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सुपर एक्टिव ने ते उन्हां वल्लों मीटिंगां दा दौर जारी है। इस तहत अज नवजोत सिंह सिद्धू ने दलित विधायकों के नाल बैठक की है। इस बैठक में राजकुमार वेरका, कुलदीप वैद, साधु सिंह धर्मसोत सने 20 दलित विधायक शामिल रहे ने। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन विच मीटिंग की गई। इस मीटिंग तो बाद राजकुमार वेरका ने किया कि दलितों के मुद्दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू अते दलित एमएलएस दा एक डेलीगेशन छेती ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलेगा। मीटिंग के दौरान दलितों के सारे मुद्दे लिखे गए ने ते उन्हां नूं लेके ही ए वफद मुख्यमंत्री दे नाल मुलाकात करेगा। ਬਈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਕਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 99.8% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 99.8% ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ। ਸਟੱਡੀ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈੱਟ ਅੜ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਗੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਊ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਸਿਊ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕ, ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CMCT ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰੋ ਲਈ ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਦੀ ਕਲੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕੂਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਬਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਲਬਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੂਵ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋ ਗਾਣਾ ਕੈਪਸੂਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। समय एक होर छोटे जे ब्रेक दा, ब्रेक दे उस पार मोदी सरकार दे खिलाफ एकजुट होईयां विरोधी पार्टियां। संसद का मानसून सैशन चल रहा है, विरोधी सांसद वालों लगातार संसद में हंगामा किया जा रहा है। इसे तहत अज संसद तो पहला राहुल गांधी वालों ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की गई। उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई जिस विच 14 दलों के लीडर शामिल हुए ने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगलवार को विरोधी पार्टियों के लीडरों के नाल ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में 14 दलों के लीडर शामिल हुए। इस बैठक विच कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सने कई पार्टियां दे लीडर शामिल हुए ने। हालांकि आम आदमी पार्टी बैठक विच शामिल नहीं हुई। इस मीटिंग दा मकसद विरोधी पार्टियां नू एक साथ रखने दी कोशिश दे नाल पेगासस जासूसी कांड जिहे मुद्दियां उत्ते संसद विच सरकार दी घेराबंदी दे लई रणनीति तैयार करना सी। इस बैठक विच राहुल गांधी ने कहा कि इस बल नू एकजुट कीता जावे, जिन्नी ज्यादा लोकां दी आवाज एकजुट होवेगी उन्नी ज्यादा इह प्रभावी बनेगी अते बीजेपी आरएसएस दे लई इस नू दबाव पाउणा उन्ना ही मुश्किल होवेगा। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then between the, within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Khage ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well. And people would see that the opposition feels the pain of the fuel price. जासूसी कांड तो लेके महंगाई के मुद्दे तक विरोधी पार्टियां केंद्र सरकार नू घेरन का कोई मौका नहीं छड़ रही है। मंगलवार नू राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई, जिस तों बाद 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा मुड़ तो जारी रहा। इसलिए कार्रवाई मुड़ तो मुलतवी करनी पई। लोक सभा विच भी कार्रवाई शुरू होते ही विरोधी सांसदां ने हंगामा शुरू कर दिता, जिस तों बाद इस नू भी मुलतवी कर दिता गया। इस विचकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी विच बीजेपी संसदी दल की बैठक हुई है। इस बैठक विच मोदी ने कहा कि विरोधी संसद चलन नहीं दे रहे ने, ये लोकतंत्र अते जनता का अपमान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE दे 10वीं बोर्ड के नतीजे ऐलाने गए ने, जिन्हां विचों 99.4% स्टूडेंट्स पास होए ने। ते इस बार भी कुड़ियां ने बाजी मारी है। पास होने वाले मुंडियां दे मुकाबले कुड़ियां दा रिजल्ट 0.35% ज्यादा रहा है। 99.24% दे नाल कुड़ियां दा पास परसेंटेज रहा है ते 98.99% दे नाल मुंडियां दा रिजल्ट रहा है। CBSE दे मुताबिक 57,000 स्टूडेंट्स नू 95% तो ज्यादा मार्क्स मिले ने ते 2,00,000 विद्यार्थियों दा स्कोर 90 तो 95% दे विचकार रहा है। 2,97,000 तो ज्यादा स्टूडेंट्स दा रिजल्ट जारी किया गया है ते जिन्हां विचों 16,000 स्टूडेंट्स दा रिजल्ट हले तैयार नहीं होया ते इन्हां दा रिजल्ट जारी करन दी तरीक बाद विच दसी जाएगी। कोरोना दे चलते बिना प्रीख्या रिजल्ट ऐलाने जाणन दे कारण मैरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं कीती गई है।
पहाड़ी इलाकों विच मीह दे कारण लैंडस्लाइड दीआं घटनावां लगातार जा रही ने। हिमाचल प्रदेश विच लैंडस्लाइड दीआं घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रही है ते हुण एक बार मुड़ तों सिरमौर जिले विच लैंडस्लाइड हुई है। हिमाचल दे सिरमौर जिले दे रेणुका जी विच लैंडस्लाइड कारण आवाजाई ठप हो गई है। सिरमौर जिले विच नाहन नूं जोड़न वाले मुख मार्ग रेणुका जी संगड़ा हरिपुर धार विच लैंडस्लाइड हुई है, जिस तों बाद इत्थे आवाजाई पूरी तरह तों ठप हो गई है। हालांकि इस घटना विच जानी माली नुकसान तों बचा रहे है। देश विच पिछले 6 दिनां तों लगातार 40,000 तों ज़्यादा कोरोना दे मामले सामने आ रहे सी ते हुण नवें कोरोना मामलियां दी गिणती घट गई है। पिछले 24 घंटियां दौरान 30,000 तों ज़्यादा नवें कोरोना केस आए ने ते 422 लोकां दी जान चली गई है। केरल विच बीते दिन सब तों ज़्यादा 13,000 तों ज़्यादा नवें मामले दर्ज किए गए ने। हालांकि देश भर विच पिछले 24 घंटियां दौरान 38,000 तों ज़्यादा लोग कोरोना तों ठीक भी होए ने। महामारी दी शुरुआत तों लैके हुण तक देश भर विच 3,17,26,000 तों ज़्यादा लोग कोरोना नाल प्रभावित हो चुके ने, जिन्हां विचों 4,25,000 तों ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत दी गल इह रही है कि 3,08,96,000 तों ज़्यादा लोग कोरोना तों ठीक भी होए ने ते हुण देश विच कुल 4,04,000 तों ज़्यादा मरीजां दा कोरोना इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही। तुसीं मैनूं दो इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां वेखण लई तुसीं बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।